ग्राम पंचायत शाला के बाद विकासखंड गोहर की एक और पंचायत घरोट ने लंबा पुल बनाने का उदाहरण पेश किया है। ग्राम पंचायत घरोट ने ब्रोखड़ी खड्ड पर 81 मीटर लंबा वाहन योग्य पुल तैयार किया है। इस पुल के निर्माण से घरोट पंचायत के ब्रोखड़ी, धारली, कोट, धनोड़, थारू, टिकरी इत्यादि गांवों के लगभग 1300 लोगों को मुख्य सड़क गोहर करसोग से जुड़ने की सुविधा मिली। पुल के निर्माण पर कुल 21 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है, जिसमें से 5 लाख रुपए 14वें वित्त आयोग से, वो 5 लाख रुपए मनरेगा से, 6 लाख रुपए योजना मदद से, वो 5 लाख रुपए विकास में जन सहयोग मदद के तहत खर्च किए गए। पुल निर्माण का श्रेय पंचायत प्रधान सत्य प्रकाश, उप प्रधान हुकुमचंद, समस्त वार्ड सदस्यों, कनिष्ठ अभियंता नवीन, पंचायत सचिव तेगुराम, तकनीकी सहायक डोलाराम, ग्राम रोजगार सेवक दीवान चंद की मेहनत तथा सहायक अभियंता सूरजमणि के मार्गदर्शन को जाता है। वीडियो गोहर निशांत शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत घरोट ने एक उदाहरण पेश किया है कि किस प्रकार मनरेगा 14वें वित्त व योजना मदद की राशियों का प्रयोग करके बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया जा सकता है। निशांत शर्मा ने बताया कि निदेशक ललित जैन के मार्गदर्शन से ये कार्य किए जा रहे हैं, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी पक्की सड़कों, पुलों, भवनों जैसे बड़े बड़े कार्य निष्पादित हो सकते हैं। ग्राम पंचायतों के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों से हिमाचल प्रदेश के विकास में गांव के आम आदमी की भूमिका भी सुनिश्चित हो पाती है। घुमारवे की अग्रणी समाज सेवी संस्था संस्कार सोसाइटी द्वारा गाहर पंचायत के बाह गांव में विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। संस्था द्वारा पिछले वर्ष भी बाह में पौधा रोपण किया गया था। पिछले वर्ष लगाए गए पौधा का संरक्षण भी किया गया तथा सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं से पौधों को बचाने के लिए ट्री गार्डन भी लगाए गए। संस्था के अध्यक्ष अमृतलाल कतना ने बताया कि कोविड 19 के कारण इस बार सभी सदस्यों ने निर्णय लिया था कि संस्था द्वारा पिछले वर्ष जिन जिन स्थानों पर पौधारोपण किया गया था, वहां पर संस्था के कुछ लोग, स्थानीय लोगों ने नए पौधे लगाने के साथ साथ पुराने लगाए गए पौधों का संरक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि जहां पर जरूरत होगी वहां पर ट्री गार्ड भी संस्था के द्वारा लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में संस्था के द्वारा बाह में स्थानीय लोगों व संस्था के सहयोग से पौधारोपण किया गया। संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार खैर, अर्जुन, साजन, सिल्वर रॉक, जामुन, पीपल आदि के पौधे लगाए गए और आगे भी विभिन्न स्थानों पर संस्था की ओर से पौधे रोपित किए जाएंगे। विकासखंड गोहर की ग्राम पंचायत चोलचौक में गणही बाढ़ में पड़ने वाले गणही नाले को बरसात से पहले दोनों तरफ से पक्का किया जा रहा है। मनरेगा के तहत गणही नाले को पक्का करने के लिए शुरुआत में पंचायत द्वारा 130 मीटर नाले के लिए 9 लाख की राशि मनरेगा के तहत स्वीकृत की गई है। वो 5 मई से कार्य को शुरू कर दिया गया। वार्ड मेंबर मीना कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नाले को पक्का करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जिसमें कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि बरसात में आने वाले पूरे चौलचौक क्षेत्र के पानी से इस नाले से होने वाले लगभग सैकड़ों बीघा भूमि कटाव व लोगों के घरों को उत्पन्न खतरों से यहां की जनता को राहत मिल सके। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष बरसात के दिनों में चौलचौक, काफलू, बगियार, कोहलू, नेहरा, बद्रोण व काथला गांव से आने वाले बरसाती पानी से यहां के घरों को खतरा रहता था, लेकिन नाली पक्का करने से अब यहां के लोगों को राहत मिलेगी। वही मनरेगा के तहत चले कार्य में तैनात मनरेगा लेबर ने बताया कि 198 रुपए की दिहाड़ी बहुत कम है, बस किराया, बच्चों का स्कूल खर्चा, राशन की महंगाई के आगे 198 रुपए की दिहाड़ी बहुत ही कम है। वो मनरेगा लेबर ने सरकार से मांग की है कि कम से कम 300 रुपए की दिहाड़ी रेट होना चाहिए ताकि परिवार का पालन पोषण अच्छे से चल सके।